बिल्ले बिलोटे बिल्लू जी ए बिलोटे यार तुमको ही बिल्लू निवास खाली करना पड़ेगा मैडम सर ना इसमें नया कैदी लेकर आई है हाँ बाप रे अभी भी कुछ नहीं बोला नहीं 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 मतलब मामला बहुत गंभीर है ये क्या किया आपने देखो बिल्लू की हालत क्या हो गई है वो जो आई थी ना अनुराधा जी उनके पति जो है वो धीरज उनके जैसी हालत हो गई बिल्ले की मैडम मैडम ये देखिए परमा चीते जब इंसान मौत के जबड़े से बाहर आता है ना तो उसका हालत ऐसी हो जाता है अब ये बकैती बंद करो स्टोपा इंसान को उठाओ अभी मैडम सर आ जाएंगी ना उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हम कुछ अलग खिचड़ी पका रहे हैं समझ रहे हैं सब बात को ए उठो एक मिनट मगर आपने तो कहा था कि आपने ये मामला अपने तरीके से निपटा लिया है वो लड़के वाले जो है वो लड़की वालों के घर जाके उनसे माफी मांगेंगे ये क्या हो गया अब हमारी जिंदगी से हमारा संबंध खराब चल रहा है आजकल मैडम एक सेकंड आप बताइए तो सही बिल्लू जी को क्या हुआ है इन्हें भी वही हुआ है जो हमें हुआ था गाड़ी की चाबी दी होगी हमारी बेटी के सास ससुर ने ये बोल के कि आप तो हमारे मेहमान हैं ऑटो से क्यों जाओगे हमारी गाड़ी ले जाओ हाँ ऐसे ही कहा था उसके बाद जब आप गाड़ी पर बैठकर जा रहे होंगे तब आपको पता चला होगा कि गाड़ी में तो ब्रेक ही नहीं है तब आपने उनको फोन लगाया फिर उन्होंने ये जताया होगा कि गाड़ी कितनी पुरानी है जो भी इसे चलाएगा उसकी जान को खतरा हो सकता है पर वो ऐसी खतरनाक चीज क्यों कर रहे हैं हाँ? अरे पैतृ है ना मैडम उनके दहेज मांगने के अरे वो खुद ही गाड़ी का ब्रेक निकालते हैं ना और फिर आपको ब्लैकमेलिंग करते हैं कि अगर आपने उनको नई गाड़ी नहीं दी तो आपकी बेटी की जान को खतरा है ना जय हिंद मैडम जय हिंद जय हिंद बिल्लू पर करिश्मा सिंह आप तो कह रही थी कि वहां सब ठीक था नहीं ऐसा कुछ नहीं है जब हमको गाड़ी दी थी एकदम चौकस थी गाड़ी ब्रेक एकदम सही चल रहे थे ये बिल्ले ने कुछ किया है गाड़ी को अब खुशी की बात यह है कि आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं आई एम रियली ग्लैड लेकिन ये सब हुआ कैसे अगर कोई तरीका है तो बता दीजिए ताकि हम बिल्लू को भी ठीक कर सकें बस कुछ खास नहीं हमारी वाइफ ने लाल मिर्ची पीसकर हमारे चेहरे पर लगाई और बस बेचारा बिल्लू ये इनका केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना तो आंख में डाल दे संतु जी नहीं नहीं मुंह में मिर्ची भर दो मैडम ये तो ठीक हो गया अब हमारी रिपोर्ट लिखिए और कार्रवाई कीजिए हमारी बेटी के सास ससुर के खिलाफ हाँ हाँ पुष्पा जी मिर्ची रिपोर्ट लिखिए प्लीज जी मैडम सर चलिए तय तो है ना मैंने आपको हाँ, वही फिर से बता दीजिए आइए मैडम सर वो अनुराधा जी की FIR हाँ दीजिए पुष्पा जी हमें समझ नहीं आ रहा हमें तो लगा था कि मामला साफ हो चुका है ये दहेज का मामला है ही नहीं इनफैक्ट करिश्मा सिंह ने भी यही कहा था पर यहाँ तो ससुराल वाले इतना इनडायरेक्टली दहेज मांग रहे हैं कि कोई शक भी नहीं कर सकता कि वो ऐसा कुछ कर रहे हैं शर्म की बात है आज के जमाने में भी इस तरह के लोग हैं इस तरह के दरिंदे हैं जो दहेज के नाम पर लड़की वालों का खून चूसने को तैयार है मैडम सर हमने हमारी लल्ला की शादी में एक रुपया भी दहेज नहीं लिया था सच में हाँ हाँ मैया कसम बल्कि आप तो जानते हैं ना हम चाहते थे कि ये शादी ना हो मगर हमारे लल्ला जो है ना पुष्पा जी हम
सब कुछ बहुत अच्छे से जानते हैं। ये मीनू के ससुराल वाले, उनकी मिठाई की दुकान है ना? जी, अजंता मिठाई वाला, सेक्टर 3 पंचम मार्ग। बिल्लू कहाँ है? गया होगा कहीं, कहाँ आजकल यहाँ वो? हाँ भाई, आजकल तो उनका अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। बिल्लू चंपत, तुम्हारे लिए एक काम। दो लोगों की जाने गई हैं आपके मिष्ठान भंडार की विषाक्त मिठाई खाकर। फांसी नहीं तो कम से कम उम्र कैद की सजा निश्चित है। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होगा, इसीलिए तो आपसे मिलने के लिए आया मैं। अब जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का? हम समझे नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? जी सर जी, वो हसीना मैडम जी ने मुझसे कहा था कि मैं आपसे आकर मिलूं, तो आप केस का पूरा रफा दफा कर देंगे, कोई केस नहीं होने देंगे मुझ पर। किसने कहा? नहीं सर, हमने बिल्कुल नहीं कहा था कि आप मामला रफा दफा कर देंगे। हमने बस कहा था कि डीएसपी सर से जाकर मिलिए, अपनी बात उनके सामने रखिए, वो अच्छे आदमी हैं, हो सकता है आपकी सजा थोड़ी सी कम कर दे, बस। अरे ये आप क्या कह रही हैं मैडम, हमने आपको पूरा घर दे डाला रिश्वत में और अब सबके सामने पलटी खा रही हैं। तौबा तौबा, क्या बकवास कर रहे हैं आप, हमने कब मांगी रिश्वत? अरे कल की बात है मैडम, पूरा 2000 स्क्वायर फीट का घर दे डाला मैं आपको रिश्वत में। अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप, हमने मांगा था क्या आपसे आपका घर? हमने ऐसा कहा था कि आप अपना घर हमें दे दीजिए, बदले में हम इस केस में आपका फेवर करेंगे, कहा था ऐसा? नहीं ऐसा कहा तो नहीं था डायरेक्टली। हे भगवान, तुम तो आराम से जेल चले जाओगे, मेरा क्या होगा? अरे तुम चुप रहो भाग्यवान। सर हमने तो यही सोचकर अपना पूरा घर इनको दे दिया कि इस केस से बचा ले, हमारी मदद करे वो। लेकिन आपको लगा ही ऐसा क्यों? क्योंकि मुझसे कहा गया। किसने? इन्होंने। हमने? हाँ। करिश्मा सिंह, आपने? नहीं मैडम सर, मैं कहा टोपा आदमी हो बे तुम, हमने कब कहा ऐसा? आपने कहा ना कि वो... क्या कहा? हमने कहा था कि मैडम सर से जाके मिलो, ये नहीं बोला कि मैडम सर तुम्हारा मदद करेंगी। हाँ लेकिन ऐसा डायरेक्टली कौन मांगता है, आपका कहने का मतलब तो वही था ना मैडम, इसीलिए तो मैंने मेरा कार दे दिया आपको। हमने थोड़ी ना कार मांगी थी। अरे हमने नहीं मांगी कार, हमने कहा था हमारे पास एक बढ़िया कार होती तो मजा आ जाता। अब हमें क्या पता आप इतने दयावान निकलेंगे कि कार ही लाके हमारे सामने खड़ा कर देंगे। तुम तो आराम से जेल चले जाओगे, हमारा क्या होगा? अरे भाग्यवान तुम चुप करो, मामला सुलटाने दो मुझे यहाँ तो। एक मिनट, सर। अरे क्या भाई, क्या? हाँ हमारी तरफ क्या देख रहे हो? हमने थोड़ी कहा था कि करिश्मा जी तुम्हारी मदद करेंगी, हमने तो सिर्फ कहा था जाके करिश्मा जी से मिलो। लेकिन इसीलिए मैंने 5 लाख का, अरे 5 क्या 7 लाख का फर्नीचर दे दिया आपको। वाह भाई वाह, बताइए। आप एल मुझे मार, खुद ही तोहफा देते हो और फिर रिश्वत का भद्दा इल्जाम लगाते हो हम पर, और वो भी हम पर, हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह पर। हमने मांगा था फर्नीचर, मांगा था हमने। हाँ मांगा तो नहीं था। भगवान तुम तो आराम से जेल चले जाओगे, मेरा क्या होगा? हसीना जी। जी सर। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें पता भी नहीं और आपके किसी प्लान का हिस्सा बन गए हैं? होता है सर, कभी नाव पानी में कभी पानी नाव में। आपने भी तो हमें अपने प्लान का हिस्सा बना लिया था बिना बताए, तो आज हमने अपने प्लान का हिस्सा आपको बना लिया बिना बताए, सो प्लीज कोऑपरेट। वाह कमाल हो गया, यहाँ पर किसी ने कुछ नहीं मांगा लेकिन मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। भगवान का दिया हुआ कुछ नहीं बचा हमारे पास भाग्यवान, जो जिसने मांगा सब दे दिया। सर सर आप ही एक सहारा है सर, आप ही कुछ कीजिए, बख्श दीजिए हमें, माफ कर दीजिए, इस केस से निकाल दीजिए हम। देखिए संजय जी, ऐसा है कि ये केस हसीना जी के थाने का है और इस केस को सुलझाने का अधिकार इनका ही है। क्यों बख्श दें हम आपको? आपने मीनू के माता पिता को बख्श दिया था, उनकी तकलीफ उनकी मजबूरी नजर नहीं आई आपको? बेटी के प्यार के आगे मजबूर थे दोनों, इसलिए जब जब आपने जो जो मांगा चुपचाप बेचारे देते गए, इस उम्मीद से कि शायद ये आपकी आखिरी मांग होगी और अब उनकी बेटी खुश रहेगी ससुराल में। बेटी की खुशी की कीमत चुकाते चुकाते न जाने कितने माँ बाप सड़क पर आ गए, लेकिन आप जैसे लालची लोग मांगते नहीं थकते। अरे बस कीजिए, 2021 शुरू हो गया और अभी तक आप
दहेज के लालच में फंसे हुए? नई सोच के साथ नई दुनिया में कदम रखिए, जहां बेटा बहू सब एक समान है, जहां ससुराल और पीहर दोनों एक परिवार है। मैडम जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आज के बाद हम अपनी बहू मीनू को दोबारा शिकायत का मौका कभी नहीं देंगे। हाँ मैडम जी, माफ कर दीजिए हमें। हम सिर्फ आप ही से माफी नहीं मांग रहे, हम अभी जाकर मीनू के घर वालों से भी माफी मांगेंगे और जो कुछ भी उन्होंने दिया हम सब वापस कर देंगे। अब मीनू के रूप में हमें एक बेटी मिल गई और हमें क्या चाहिए। बहुत खतरनाक है। देखो देखो, भून के रख देगी तुमको। यू आर अंडर अरेस्ट। पुष्पा जी, आप वाइब्रेट कहाँ कर रही हैं भाई? जीते, जब से फोर्स ज्वाइन किया ना, तब से तमन्ना थी एक बार ये डायलॉग बोले। हाँ, बधाई हो आपको भाई। शिव जी, आखिरकार आपने हमारी सुन की ली। अपरंपार है उनका लीला भाई। भाग गई, भाग गई, भाग। जिस तरीके से आपको देख रही है ना, थोड़ी देर में शंकर भगवान से पर्सनली मुलाकात हो जाएगा आपका। फिर आप उनको थैंक यू बोलते रहिएगा। हैंड्स अप वरना भून के रख देंगे। हैंड्स अप दो बार बोला। दो बार हम जानते थे आप डरेंगे नहीं, पर फिर भी कोशिश कर रहे थे। सॉरी कयामत दीदी। दीदी क्या बोल रहे हो? उसको अरेस्ट करना। अरेस्ट करें? अभी तो उसको अरेस्ट करना आपका सपना था ना, और आपके और आपके सपने के बीच में चीज बेहोशी की दवा। चलो। नहीं, आप परफ्यूम कहाँ मार रही है? क्या मत आई, खुशबू अच्छी है मगर। छोटा बॉन्ड आया हूँ तो कुछ ना कुछ बॉन्ड दे जाऊंगा। ये दर्जी वाला ना मिल जाए तो उसकी बुर्जी बना दूंगा मैं। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने एक फिल्म में देखा था कि डाकू आधी रात थाने में आते हैं और सारे मुजरिमों को आजाद कर देते हैं, तो हमारा भी हो गया ना काम। चले हम। चुपचाप दोनों यहीं खड़े रहो, मैं दोहराऊंगी नहीं, और मेरी बात को पत्थर की लकीर समझना। सितारा चंद,
जी जी तुम अपनी दुकान को कहीं और शिफ्ट करोगे है? क्योंकि अगर तुम्हारी दुकान वहाँ नहीं रहेगी तो तुम दोनों की जो ये प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। अरे हमारे पुरखों की दुकान है, देखिए हम तो छोड़ के ना जाएंगे, इससे पूछ लीजिए आप, इसकी छोड़वाइए दुकान। तो ठीक है ताराचंद, तुम अपनी दुकान शिफ्ट करोगे। हम काय कर ले, हम काय को कर ले हैं मैडम, जब ये शहर नहीं बसाता ना तब से ये दुकान यहाँ पर है, और आप आधी रात आकर देखिए हमारे बाप दादाओं की आत्मा अभी तक वहाँ टहलती है, हम नहीं करेंगे खाली। तो लड़ते क्यों, जब दोनों को अपनी अपनी दुकान वहीं चाहिए तो सुख शांति से अपनी दुकान क्यों नहीं चलाते हो दोनों? अरे मैडम हम तो जो है ना सुख शांति से ही दुकान चलाना चाहते हैं, और हमारे टीए से इतना चिढ़ता है मैडम जी, बस क्या बताएं आपको, ये तो चाहता है हमारे टीए में आग लग जाए, हम बर्बाद हो जाएं, हम भी मर जाएं, यही चाहता है बस। एकदम बकवास बात कर रही है, कचरा पेटी है। अब जो मैं कहने जा रही हूँ उसको कान खोल के सुनो। मैडम एक मिनट, जरा भाई साहब जरा हमारे कान में से बाल हटा दीजिए। छोटी बॉन्डू बॉन्डू, अरे इस वाले में दो दिन का टाइम देते हैं हम तुम दोनों को, दो दिन में फैसला कर लो क्या करना चाहते हो, कौन रहना चाहता है, कौन जाना चाहता है, दो दिन बाद वापस आएंगे। अगर फैसला नहीं हुआ तो तुम दोनों ऐसी मुर्गों की तरह लड़ते रहना, दुकानें चलाएंगी तुम्हारी बीवियां। ये केस ना सिर्फ तब सॉल्व हो सकता है जब तारा सितारा दोनों में से किसी एक की दुकान कहीं और शिफ्ट की जाए, और कायदे से उसी की दुकान वहां रहनी चाहिए जिसने सबसे पहले ये दुकान खोली थी। पता लगाइए कि दोनों दुकानें कब खुली और सबसे पहले किसने दुकान खोली। मैडम सर रिपोर्ट रेडी। वाओ इंप्रेस्ड। हमारे देश को मैडम सर आजादी 1947 में मिली थी है ना, ये देखिए मैडम सर इनकी दुकान हजरतगंज मार्केट में है और 1947 में इनके पापा ने खोली थी, अब उनके जाने के बाद इन दोनों ने ये दुकानें अपने अपने नाम पर कर ली। हाँ लेकिन पहले दुकान किसने खोली? बस वही पता नहीं लगा पाई मैडम से। ये बात ना उसी इलाके में रहने वाले कोई उम्र दराज लोग ही हमें बता सकते हैं जिन्होंने वो दौर देखा हो और जिन्हें उस दौर के बारे में थोड़ा बहुत याद हो, उन्हीं से पता लगाया जा सकता है। संतोष शर्मा आप और चीता चतुर्वेदी हजरतगंज जाइए, वहाँ ऐसे लोगों को ढूंढिए जो उस उम्र के दौर के हों, जिन्हें थोड़ा बहुत याद हो कि किसकी दुकान पहले खुली थी, वहीं से कुछ पता मिल जाए। जी मैडम सर। गुड। मैडम सर। प्रणाम बाबा। नमस्ते 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 नमस्ते। मैडम सर ये माजिद दादा है और इन्हें पता है कि किसकी चाट की दुकान पहले खुली थी। अरे चीता चतुर्वेदी तुम इतने लंबे चौड़े हो गए, जब तुम इतने छोटे से थे तब तुम आते थे ना फातिमा के पड़ोस में मामा के घर। अरे माजिद मामा याददाश्त तगड़ी है इनकी, ये हमारा काम कर देंगे। वैसे दादाजी आपको याद है तारा और सितारा में से किसकी दुकान पहले खुली थी? हाँ याद तो हमें सब है, जब हम मोहल्ले से गुजरा करते थे तो हमारी एक झलक देखने के लिए लड़कियां घरों के छज्जे पे आया करती थीं और छज्जे नीचे गिर जाया करते थे। आप भी आइए कभी हमारी हवेली पे। चाची इधर देखिए। हाँ अब आपको याद ही नहीं है कि तारा सितारा में से किसका दुकान पहले खुला था, तो फिर आप हमारे किसी काम के नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आने का। संतू इनको छोड़ाइए जहाँ से भी आप इनको लेकर आइए। अरे हमने ये कहा है कि हमको याद नहीं है, ये तो नहीं कहा कि याद नहीं आ सकता। मतलब ये कि चाट चक्कर बता सकते हैं कि हमने सबसे पहले किसकी चाट खाई थी हजरतगंज में। चाचा जी तो तय रहा, हम आपको तारा सितारा दोनों की चाट खिलाएंगे, फिर आप याद करके हमें बता देना कि किसकी दुकान पहले खुली थी। ओके चाचा जी ये लीजिए चाट। जी हाँ भाई ये तो बताओ कि ये है किसकी। यही खा के आपको बताना है ना कि ये किसके दुकान का है, तारा का सितारा का, किसका दुकान यहाँ पहले खुला था चाचा। ये बात है। वाह यही तो है वो
अच्छा चाचा जी हा? चाचा हा? जी हा? यही है वो चाट। हाँ यही तो है वो चाट जो बहुत दिनों के बाद खा रहा हूँ। चाचा जी बहुत बढ़िया, अब ये तो खत्म हो गया, ये हमको दे दीजिए। अब आप ये वाला खा के बताइए कि ये किसके यहाँ का चाट है। असल में ये है वो चाट। यही यही है वो चाट जिसकी दुकान पहले खुली है? नहीं नहीं, असल में ये है वो चाट जिसके स्वाद का कोई जवाब नहीं। असल में चाट से तो कुछ पता नहीं चल रहा है, साल भी तो बहुत ज्यादा हो गए ना। हाँ अगर दही भल्ले मिल जाते तो पता चल जाता कि किसकी दुकान पहले खुली है। बता दीजिए किसकी दुकान पहले खुली थी, अब खाकर कुछ याद आया है थोड़ा बहुत? याद तो आ जाता, असल में इनकी चाट का बहुत शौकीन हूँ। मैंने तो इनकी चाट खाने के चक्कर में ये झूठ बोला ताकि आप इन दोनों को लॉकअप से निकाल कर चाट बनवा सकें। दुआएं लगेंगी बेटा आप दोनों को, चिंता मत करना, कोई ना कोई बता देगा कि इन दोनों में से पहली दुकान किसकी खुली थी। हाँ मिल गया ना, मिल गया, हमको मालूम था। देख हम कहे थे ना कि दंगे से निजात पाने का सबसे पहला आइडिया ना संतोष जी के दिमाग में ही आएगा। मिल गया ना, हम कहे थे। संतोष शर्मा आइडिया बताइए। हाँ तो मैडम साहब प्रॉब्लम की जड़ क्या है? प्रॉब्लम है चाट, है ना। अब जब बखेड़ा इस बात का है कि किसकी चाट सबसे ज्यादा अच्छी है, तो क्यों ना हम खुद ही एक दुकान खोल ले चाट की, जो डिट्टो तारा और सितारा की चाट की तरह टेस्ट करती हो। लोगों को तो खाने से मतलब है ना। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि लोगों को स्वाद का एक और विकल्प मिल जाएगा। लोगों को तारा और सितारा की बनाई चाट के टेस्ट से मतलब है। हाँ अब कौन भी बनाए का फर्क पड़ता है। एग्जैक्टली और अगर कोई ठीक उसी टेस्ट की चाट बनाएगा तब तो ये झगड़ा ही खत्म ना। समझ गए आप मैडम सर। गुड संतोष शर्मा, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। थैंक यू मैडम सर। सिंगाड़े खाए थे? लगा ही था हमें। पुष्पा जी आप ही ने हमसे कहा था ना कि आपके और करिश्मा सिंह के बीच अक्सर तारा चंद और सितारा चंद की चाट को लेकर बहस होती है। जी मैडम सर, हमें लगता है सितारा चंद की चाट बहुत बेहतर है और इनको लगता है कि तारा चंद की। लगता का है वो है, वो सत्य है कि तारा चंद ही सबसे बढ़िया वाला चाट बनाता है, इसमें कोई शक का गुंजाइश नहीं है। क्यों बिल्ले? हाँ हाँ। अरे छोड़ो, सितारा चंद जैसी चाट पूरी लखनऊ में कोई नहीं बना सकता। बस कीजिए आप दोनों। देखिए अब आप दोनों हमारी बात ध्यान से सुनिए, झगड़ा छोड़कर। पुष्पा जी आप सीखेंगी सितारा चंद से उसके चाट की रेसिपी, और करिश्मा सिंह आप सीखेंगी तारा चंद से उसके चाट की रेसिपी। आप उनसे ये कह सकती हैं कि आप अपने घर वालों को खिलाने के लिए ये रेसिपी सीख रही हैं। कल 4 घंटों के लिए कर्फ्यू खुलने वाला है और ये सबसे अच्छा मौका है हमारे पास इस चाट युद्ध को खत्म करने के एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन की शुरुआत करने का। क्लियर? जी मैडम। तो ऐसा है, हमारी सासू है ना पुष्पा जी, जी का जंजाल तब का है ना कि गुगली चलता रहता है उनके दिमाग में, कैसे हमको नीचा दिखाए। अब देखिए अब घर वालों के सामने प्रतियोगिता रख दी, चाट प्रतियोगिता। अच्छा। हम का चाट वाट बनाना चाहते हैं। हम सोच रहे थे कि अगर आप हमें अपना रेसिपी दे दे तो हम भी आपके जैसा एकदम लाजवाब बढ़िया वाला चाट बना देंगे घर पे। हाँ वो तो हम आपको सिखा देंगे, 1 मिनट का काम है। अरे आप तो जो है ना हमारे चाट और गोलगप्पों की इतनी बड़ी प्रशंसक है, और ये तो इतनी सी बात है, आपको अपनी नकचड़ी बहू को हराना है ना। बस आप देखिएगा आपको जो है ना मैं अपनी रेसिपी जो है स्पेशल वाली दूंगा। लिखिए सबसे पहले जो है आलू जो है
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.